Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Abhishek Rai, Department of Civil Engineering. दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे जो कल पूरा नहीं हो पाया था किसी कारण से. हम लोग कल बात कर रहे थे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन ए बिल्डिंग वॉल बाय द सेंटर लाइन मेथड. तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं. दोस्तों हम लोग ने कल सेंटर लाइन मेथड से वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फ्रॉम एक्सकवेशन फाइंड आउट कर लिया था जिसका वैल्यू 18.96 आया था. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन फाउंडेशन फाइंड आउट कर लिया था जिसका वैल्यू 3.79 मीटर क्यूब आया था. वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन स्टेप वन एंड स्टेप टू एंड ब्रिक वर्क अबव फाउंडेशन सारे का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था जिसका वैल्यू 5.05 मीटर क्यूब. 5.05 मीटर क्यूब मेरा दोस्तों स्टेप वन इसके लिए आया था, स्टेप टू इसके लिए आया था और ब्रिक वर्क अबव फाउंडेशन इसके लिए आया था. तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन ए बिल्डिंग वॉल कितना था. तो 5.05 प्लस 3.79 प्लस 26.97 ये दोनों तो ऐड नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये कंक्रीट के लिए एक्सकेवेशन के लिए. ब्रिक वर्क बस इतना में यूज हुआ है तो टोटल ब्रिक वर्क इन ए बिल्डिंग वॉल हो गया दोस्तों हम लोग का 35.81. इसका 35.81 मीटर क्यूब मेरा टोटल ब्रिक वर्क इन ए बिल्डिंग वॉल मेरा निकला. और दोस्तों टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मेरा कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मेरा है 3.79 मीटर क्यूब. तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स. ठीक है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स सीमेंट सैंड. उसके बाद हम लोग दोस्तों कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट. अभी तो केवल वॉल में ब्रिक्स होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है. तो पहले हम लोग दोस्तों इसको देखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है. तो हम लोग के पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क 35.81 मीटर क्यूब है. तो हम जानते हैं दोस्तों वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये होता है दोस्तों 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 1.539 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक होता है. और दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार, हम लोग ब्रिक के साथ 10 mm का मोटार भी डालते हैं. तो दोस्तों ये 0.19 इट मीन्स 190 × 90 × 90 mm का मेरा एक ब्रिक होता है. अगर उसमें हम लोग 10 mm का मोटार यूज़ करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 200 × 100 × 100 इट मीन्स 0.2 × 0.1 × 0.1 2 × 10^-3 इट मीन्स 0.0002 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार हो गया. दोस्तों हम लोग के पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन ए बिल्डिंग वॉल है
वो क्या है, 35.81 मीटर क्यूब जो है वो मेरा टोटल, उसमें मेरा क्या है ना मोटार भी ऐड है। तो इससे हम लोग क्या पता चल जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार। जैसे ये एक का है, ये सिंगल का है और ये सारे का है, तो सारे में से सिंगल को डिवाइड कर देंगे तो नंबर पता चल जाएगा हम लोगों को दोस्तों। देखिए, नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार, मोटार के साथ कितना नंबर ब्रिक लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटार, तो 35.81 डिवाइडेड बाय 0.002। टोटल मेरा आया 17,179,050 नंबर ऑफ ब्रिक आया विथ मोटार के साथ। तो दोस्तों मोटार के साथ हम लोग के पास इतना नंबर ऑफ ब्रिक है, तो इससे ये पता चल जाएगा दोस्तों कि एग्जैक्ट ब्रिक जिसमें मोटार यूज नहीं हुआ है उसका उसका वॉल्यूम कितना है। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा, अगर सेवन इतना नंबर ऑफ ब्रिक है, इतना नंबर ऑफ ब्रिक है, तो दोस्तों इतने नंबर ऑफ ब्रिक को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से, यानी 1.539 × 10⁻³ कर देंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 0. ये थोड़ा सा गलत, 35.81 डिवाइडेड बाई 0.002, 17,905। तो 17,905 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.539 × 10⁻³ से, तो 27.55 मीटर क्यूब मेरा हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन ए बिल्डिंग वॉल, इन ए बिल्डिंग वॉल विदाउट मोटार। मोटार के साथ हम लोग का टोटल क्वांटिटी कितना है दोस्तों, 35.81, और विदाउट मोटार जिसमें बस आपका ब्रिक यूज हुआ है उसका क्वांटिटी वॉल्यूम 27.55 मीटर क्यूब आया। तो दोस्तों इससे ये पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार पता चल जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे पता चल जाएगा दोस्तों, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन ए बिल्डिंग वॉल 35.81 माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन ए बिल्डिंग, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक विथ मोटार इन ए बिल्डिंग वॉल माइनस टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन ए बिल्डिंग वॉल विदाउट मोटार 35.81 माइनस 27.55, 35.81 माइनस 27.55, 8.26 मीटर क्यूब आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब हम लोग का दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक्स ओनली ब्रिक्स कितना आ जाएगा दोस्तों, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार कितना था 27.55, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है दोस्तों 1.539 × 10⁻³। इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ ब्रिक्स, ₹17,901 नंबर ऑफ ब्रिक पता चल गया दोस्तों हम लोग को। तो ब्रिक यहां से तो पता चल गया दोस्तों कितना आया, 17,901। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कितना सीमेंट है, कितना अब मोटा वॉल्यूम ऑफ मोटार हम लोग के पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ मोटार हम लोग के पास है वॉल्यूम ऑफ मोटार 8.26 मीटर क्यूब। ये हम लोग का वेट वॉल्यूम है दोस्तों, याद रखिएगा वेट वॉल्यूम, इसे हम लोग को ड्राइव वॉल्यूम में चेंज करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.33 से, तो 8.26 × 1.33 टोटल 10.98 मीटर क्यूब हम लोग का वॉल्यूम है मोटार का।
तो सीमेंट और सैंड यूज करते हैं हम लोग मोर्टार में। सीमेंट और सैंड का हम लोग इसमें रेशियो लेते हैं 1:6 का। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग सीमेंट पहले, तो ये ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो 1/7 × 10.93, तो 1/7 × 10.93 1.56, तो 1.56 क्यूबिक मीटर मेरा सीमेंट का क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं 1 बैग ऑफ सीमेंट में मेरा 28.8 क्यूबिक मीटर सीमेंट होता है। तो दोस्तों हम लोग 1.56 को 28.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बैग्स पता चल जाएगा सीमेंट का, 1.56 × 28.8 44.92 बैग्स। अब सैंड फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों, 6/7 × 10.93 9.36 क्यूबिक मीटर सीमेंट सैंड पता चल गया दोस्तों मोर्टार में। अब हम लोग कंक्रीट में देखते हैं दोस्तों, कंक्रीट कंक्रीट का हम लोग का वॉल्यूम कितना है दोस्तों, 3.79 मीटर क्यूब। ये क्या है, वेट है। इसे पहले ड्राई में कन्वर्ट करते हैं, 3.79 दोस्तों। मोर्टार के लिए हम लोग 1.33 यूज करते हैं, लेकिन कंक्रीट के लिए हम लोग 1.54 to 1.57 यूज करते हैं। तो हम लोग 1.54 यूज करते हैं, 3.79 × 1.54 5.83 मीटर क्यूब हम लोग का टोटल कंक्रीट है। अब इस कंक्रीट में हम लोग पता करेंगे दोस्तों सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। हम लोग दोस्तों इस कंक्रीट में M15 यूज करेंगे, जिसका रेशियो होता है 1:2:4। तो 1:2:4 तो सीमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, सीमेंट इसको ऐड कर लेंगे पहले, 7 होगा सीमेंट हो जाएगा, तो 1/7 × 5.83 0.83 नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए 23.98 बैग्स सीमेंट हो गया। सैंड निकालते हैं दोस्तों, 2/7 × 5.83 1.66 क्यूबिक मीटर। अब एग्रीगेट देखते हैं दोस्तों कितना होगा, एग्रीगेट 4/7 × 5.83 3.33 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों सारा वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर हो गया। हम लोग का नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना आया था दोस्तों, 17,901 नंबर, और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार में हम लोग का दोस्तों 44 बैग्स प्लस कंक्रीट में हम लोग का 23 बैग्स, टोटल 67 बैग्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सैंड। मोर्टार में हम लोग का 9.36, कंक्रीट में हम लोग का 1.66। क्यूबिक मीटर और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट कितना, 3.33 क्यूबिक मीटर। दैट्स ऑल दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी नई नई वीडियो और मैं आगे बनाते रहूं, तो दोस्तों वहां बेल बटन का
साइन होगा, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।